क्वेश्चन नंबर वन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? सही आंसर है मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि पक्षी और मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम लोग साइंस के 80 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन होंगे। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्राइमरी एग्जामिनेशन CDPO हो या PT हो या फिर वो बिहार SI हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इन विच एनिमल हीमोग्लोबिन इज नॉट फाउंड? शो फ्लाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू जो है, इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन? सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स जो है अब अवशेषी अंग माना जाता है। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिग्नल ऑर्गन फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य पूछा गया है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम? सो आंसर इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे ही हम लोग अनाज अपने मुंह में रखते हैं वहीं से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो मुख में ही जो पाचन होती है खाने का कौन सा वो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है, जो मुख गुहा में ही पाचन वो अपना स्टार्ट कर देता है। यही सवाल पूछा गया था। विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन बिल्कुल कैविटी? शो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीजन का वाहक है RBC, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन? सो RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इंसुलिन जो है वो शर्करा को नियंत्रित करता है। द सुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाई इंसुलिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? शो नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो गिवेन ऑप्शन में हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर? शो टर्मेरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 10, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो अल्कोहल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप? तो अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला OH से रिलेटेड होता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, एथाइन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव एथाइन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 होता है, और हम लोग ओजोन डे हर एक साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा जो है मर्क्यूरी हमेशा वो लिक्विड फॉर्म में रहती है एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन एक ही है और यहीं से स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स, CH4 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी को हम लोग देख लेते हैं 15 से पहले, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O क्षारीय है, यानी कि ऑक्साइड इज अल्केलिन, शो Na2O। बैकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बैकिंग पाउडर जो है वो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बैकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड टार्टरिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी 2 नियम होते हैं और रिफ्रेक्शन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो 2 इसके नियम होते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस पूछा गया है V/U। दर्पण का सूत्र होता है V+1/U=1/F, यह दर्पण का सूत्र है। दैट मीन्स फॉर्मूला ऑफ मिरर जो है
मिरर फॉर्मूला जो है वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकिरण। टिंडल इफेक्ट शोज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस। इसमें पूछा गया है कि विच लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्जिंग लेंस के तौर पे कौन सा लेंस काम करता है? तो कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बनता है आभासीय बनता है। इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर पर। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम आर देयर? श्रोत्री। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट बाय डायनेमो। डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल को हम लोग लेंस के तरह यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि जल और कांच का यूज लेंस के तौर पर किया जा सकता है। विच वन ऑफ फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ब्रास। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो दो। प्रकाश का प्रवर्तन भी दो होते हैं और अपवर्तन भी दो होते हैं। Which of the following number is correct for the laws of refraction of light? 2. Okay, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना कहलाता है, यानी कि जो हमारा जो इमेज बनता है किसी भी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो वो रेटिना पर ही बनता है, यानी कि रेटिना वो पर्दा है जिस पर कि फिल्म दिखाया जाता है। द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इज रेटिना। क्वेश्चन नंबर 28, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया है साइन आई बाई साइन आर। कई बार पूछा जाता है ना कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो शायद 2.4 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने साइन आई बाई साइन आर से वो निकाला है। तो कुछ जो मटेरियल्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमें याद कर लेना पड़ता है, जैसे कि डायमंड उनमें से एक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि डायमंड्स का बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 29, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू रिफ्रैक्शन के चलते जो होता है, कोई भी वो तालाब हो झील हो या नदी हो, उसका पानी कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो वो रिफ्रैक्शन के चलते दिखता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो उसका जो है वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जब वो मान लीजिए कि एयर से वाटर में गई, यानी कि गैस से लिक्विड फॉर्म में गई, तो वो कुछ चेंज हो जाएगी, इसी के चलते वो ऊपर की तरफ दिखता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 32, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो आर इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज करेक्ट। सो आंसर इज आर इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो है वो श्वास लेने में तकलीफ कर देती है, जबकि डायरिया और मलेरिया जो है, जैसे मलेरिया जो है मस्तिष्क बुखार में काम होता है और ये सब शरीर में होता है अंदर में, और यह निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। विच डिजीज इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो निमोनिया। एंड्रोजन है नर हार्मोन। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। पपीता जो है एक एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल प्लांट का, पपाया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा मादा जननन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है यह मादा जननन तंत्र नहीं है, जबकि अंडाशय गर्भाशय और डिंब वाहिनी यह मादा जननन तंत्र है, और शुक्रवाहिका जो है यह
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38, द्विखंडन होता है, सब में होता है, पैरामीशिया में भी होता है, अमीबा भी द्विखंडन करता है और लिस्मैनिया भी करता है। बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस, शो ऑल ऑफ दिस जो गिवेन दिए हुए हैं। टेस्टोरेन स्रावित होता है वृषण से। टेस्टोरेन जो है यह एक मेल हार्मोन है जो कि पुरुषों से स्रावित होता है, यानी कि उसका जगह होता है वृषण। टेस्टोरेन इज सेक्रेटेड बाई टेस्टिस, यह एक हार्मोन है और मेल हार्मोन है। मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है 1.4 किलोग्राम होता है। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1.4 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव आवेश के साथ होता है, तो इसलिए इसके साथ माइनस लगा रहेगा, 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन माइनस 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल। विच टाइप ऑफ सेल इज यूज्ड इन टॉयज, जो बच्चों का टॉय होता है उसमें ड्राई सेल यूज करते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो FeCSO4, FeSO4, Cu। यहां से Cu को ट्रांसफर्ट कर दिया गया, यानी कि विस्थापित कर दिया गया, यही इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सारा है। Which of the following is an example of displacement reaction? So option C correct answer. Silver chloride का रंग होता है श्वेत होता है। The color of silver chloride is white. Option D correct answer. निम्नलिखित में जो लवण है वो कौन सा है? तो NaCl है, salt, NaCl, sodium chloride होता है इसका formula, इसका नाम होता है sodium chloride। तूतिया यानी कि नीला थोथा का अणु सूत्र है CuSO4 5H2O। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल इज CuSO4 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? देखिए, जब कोई भी लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो घोल है जिसमें डाला गया है उस लिटमस पेपर को, वो एसिडिक है, यानी कि एसिडिक नेचर का मतलब हो गया कि 7 से कम होना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 2। ओके, क्योंकि अदर ऑप्शन में 9 है, 7 है, 10 है, तो 7 जो है वो तो न्यूट्रल के लिए, ना एसिडिक ना बेस, सो ऑप्शन ए करेगा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 49 है, अ सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड, वॉट कैन बी द पीएच ऑफ द सोल्यूशन? That means 2 हो जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। ओके, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम पूछा गया है, एथेनाइल होता है। द IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इथेनॉल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? तो एल्कीन का। CnH2n इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, Fe इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो निकेल और क्रोमियम। जब हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो उसमें लोहा और कार्बन तो होता ही है, साथ में निकेल और क्रोमियम भी होता है उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसाइड आयरन एंड कार्बन, अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील आर निकेल एंड क्रोमियम। पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रास इज एन एलॉय। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो ये एसिड का एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 57, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। कार्बन एक अधातु है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, निम्नांकित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है C2H4 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं C6H6। एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज C6H6। निम्नलिखित में कौन
अक्रिय गैस है, तो हीलियम जो है वो अक्रिय गैस, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनर्ट गैस या आइडियल गैस भी कहते हैं हीलियम, जो जीरो ग्रुप में रहते हैं, यानी कि जीरो ग्रुप का मतलब हो गया ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सिक्स जो है वो इनर्ट गैस माने जाते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb जो है वो उपधातु है, मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल, पौधे में श्वसन होता है, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, सब जगह होता है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। निम्न में सौ पोषी कौन है, तो हरे पौधे को सौ पोषी कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में यही था कि ऑटोट्रॉप्स जो है ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं, विच इज ऑटोट्रॉप्स, यानी कि सौ पोषी। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गई थी। हु क्वाइंड द टर्म न्यूक्लियस, सो रॉबर्ट ब्राउन, जैसे कि विटामिन जो शब्द है उसको क्वाइंड फंक ने किया था, FUNK, फंक ने किया था विटामिन को, उसी तरह से न्यूक्लियस जो है इस शब्द को क्वाइंड रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। इन विच फॉर्म द फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट, शो स्टार्च, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल भी जो है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, और इनकी किताब का नाम है द माइक्रोग्राफिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। मानव हृदय घिरा होता है या पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाई पेरिकार्डियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन की होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन, और लाल रक्त कणिकाओं की आप बताइए कितने होती है लाइफ। What is the life span of WBC in human? So 12 to 20 days हो जाएंगी according to given option. पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो यकृत से। बिले जूस इज सेक्रेटेड बाई लीवर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। Which material is used to make electric heater coil? So nichrome, option D correct answer. Question number 74, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6×10^6 जूल होता है। द वैल्यू ऑफ वन यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 3.6×10^6 जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, किलोवाट पर घंटा इकाई है, तो शक्ति का है, और किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ पावर, इसे देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, किलोवाट पर आवर इज यूनिट ऑफ पावर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पर। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शो थर्मल। क्वेश्चन नंबर 77, वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन विच ऑर्डर अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सो पैरेलल। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया था कि विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सो वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 79, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस या आइडियल गैस कहते हैं, जो कि ग्रुप 18 में रहती है पीरियोडिक टेबल में, और वही हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जो है वो निष्क्रिय गैस है। तो इस तरह से हमारे 80 क्वेश्चंस हुए साइंस के।